आप देख रहे हैं सेकुरा सिक्योरिटी सिस्टम्स का यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ट्राइबल पैनल के बारे में कि इसमें रिसेट वगैरह कैसे करते हैं। तो चलिए हम रिसेट के बारे में बताएंगे आपको। तो बहुत सारे रिसेट मैंने ऐसे करते हैं और रिसेट करने लगते हैं, पासवर्ड इसको डालने पड़ते हैं, इसके बाद रिसेट होते हैं ये। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपको रिसेट कैसे होते हैं यहाँ पे। क्योंकि अब मेरे पास ये कुछ भी, अभी मान लीजिए MCU फायर हुआ है, ठीक है, हमको रिसेट करना है तो कैसे करेंगे। तो चलिए हम आपको एक MCP फायर करके चेक करते हैं और उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कैसे रिसेट होता है। ये देखिए MCP है, हम इसको यानी स्क्रू खोल करके या फिर इसको डायरेक्ट इसे पुश करेंगे, प्रेस करेंगे, प्रेस हेयर लिखा हुआ है, प्रेस करेंगे तो ये अंदर चले जाएंगे। इसका कॉन्टैक्ट है, ओपन हो जाएंगे तो ये अलार्म में एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक्टिवेट कर दिया, यहाँ सिग्नल से आ गया है और जितने भी रूटर्स हैं ये पूरा एक्टिवेट हो जाएंगे। देखिए मैंने MCP अभी प्रेस किया था, MCP एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर सिग्नल से आ गया, ठीक है। लूप 2 का एड्रेस नंबर 11 MCP मॉड्यूल से है, नियर बाय BMS रूम, ठीक है। तो ये मैंने अभी एक्टिव किया था, अभी इसे रिसेट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमको देखिए रूटर बंद करने के लिए हमको साइलेंस करने पड़ेगा यहाँ पर। तो इसका हम पासवर्ड डालेंगे, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो है 54321 और यहाँ से साइलेंस कर देंगे और इंटर करके साइलेंस करेंगे तो साइलेंस हो गया, साइलेंस हो चुका है। अभी हमको इसे रिसेट करना है, ठीक है। तो कैसे रिसेट करेंगे, तो चलिए सबसे पहले रिसेट करने भी ये रहता है, यहाँ पर प्रेस कीजिएगा, रिसेट पे पासवर्ड मांगेगा 54321, देन इंटर कीजिएगा और सिस्टम पे जाइएगा। यहाँ पर सिस्टम पे रिसेट नहीं होता, अभी साइलेंस करने के लिए सिर्फ पासवर्ड डालिएगा और इंटर कीजिएगा, साइलेंस हो जाएगा। मगर रिसेट करने के लिए आपको सिस्टम में जाने पड़ेगा, 1 प्रेस कीजिएगा और यहाँ से रिसेटिंग दिखाएंगे। अब रिसेटिंग में थोड़ा टाइम लेते हैं, वो लगभग आपका विद इन 40 सेकेंड्स लगते हैं रिसेट होने में। तो ये रिसेट होंगे, ये देखिए रिसेट हो चुके हैं पैनल और नॉर्मल कंडीशन हो चुका है। तो आप ऐसे रिसेट कर सकते हैं।